साइड में तो दोस्तों अभी पानी दे रहा है, वो बाकी वाकेट लेके भाया तो पानी लेकर आ रहा है और पूरा एक मग करके देना पड़ रहा है क्योंकि बीच लगाएगा ना, इसलिए बात दोस्तों दो बीच ले रहा है और फिर से दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है और इसी साइड में मिट्टी को ढाक दे रहा है। Hey guys, good morning। हम तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग भी बढ़िया और अच्छे होंगे। आज दोस्तों सुबह सुबह ही इस साइड में हमारे करला खेत में आज जो सीड है, करला का सीड सभी करला खेत में लगाएगा दोस्तों। और सुबह सुबह ही दोस्तों शायद मिट्टी और जो गोबर सार दिया था सभी को अच्छे से पानी दे के अच्छे से गिलाना होगा उसको, तो उसके बाद दोस्तों सीड्स को लगाएगा। तो चलिए, पापा भैया सभी पहले ही चला गया, इसी साइड में पाइप खड़ा दिया है हम लोगों ने, देख सकते हो कॉल से पूरा ही पाइप उधर तक चला गया है। तो चलिए उधर चलते हैं। और भैया तो दोस्तों पहले ही सभी बाकेट को लेकर चला गया है। इसी साइड में एक हांडी मैंने ले लिया है, जाके दोस्तों इसमें पानी देना होगा। उसमें गड्ढा किया है पापा ने, उस गड्ढा ने पानी भरवा रहा है। तो एक गड्ढा किया है और इसी गड्ढा में दोस्तों शायद इतना ज़्यादा पानी लेने का भी ज़रूरत नहीं है ना, इसलिए गड्ढा करके बाकेट में देना हो रहा है। और भैया भी दोस्तों बाकेट लेकर आ रहा है, उसी साइड छुपा रहा है कैसे देखो। और पापा दोस्तों उसी साइड में है, तो चलिए पानी लेकर चलते हैं और फटाफट देते हैं। इसी साइड में तो दोस्तों अभी पानी दे रहा है, वो बाकेट वाकेट लेके आया तो पानी लेकर आ रहा है और पूरा एक मग करके देना पड़ रहा है क्योंकि बीच लगाएगा ना, इसलिए। और पापा भी है, मामी भी है इसी साइड में, सभी जितना सारा टॉप है सभी टॉप में देना पड़ रहा है सुबह सुबह ही दोस्तों। और पापा ने जल्दी उठा दिया था इसलिए दोस्तों नहीं तो उसके बाद दोस्तों दूध निकाल के आएगा, उतना ही दोस्तों इतना सारा टॉप में तो नहीं दे सकता ना, इसलिए सुबह सुबह ही देना पड़ रहा है। और एक जमीन जो उसी साइड में जो जमीन है दोस्तों, वो जमीन तो दोस्तों पूरा ही पूरा हो गया है और इसी साइड में और उस साइड में शायद एक जमीन में नहीं देगा पानी और दो जमीन में देगा, इसलिए चलिए ये बाकेट तो पूरा ही खाली हो गया है और बाकेट है इसी साइड में, इसी बाकेट से पानी देता है फटाफट। ओ भाई सुबह सुबह ही ना, इस साइड का दो जमीन तो दोस्तों पूरा हो गया है और एक जमीन इस साइड में बाकी है और जो उस साइड में दूसरा जमीन में शायद पानी नहीं देगा और इस साइड में तो हो गया। और पापा भी दोस्तों अभी तक इसी साइड में पानी दे रहा है और मामी भी आ गया है दोस्तों इसी साइड में, मामी भैया सभी आया है। मामी तो दोस्तों पानी लेकर जा रहा है बाकेट में और ये पूरा ही अभी तक नहीं दिया है तो ये पूरा कम्प्लीट कर दूँगा। और भैया को देख रहे हो कैसे छुपा रहा है तो चलिए इस तरह से घोटी में पानी दे रहा है मामी ने। तो चलिए इसी साइड में थोड़ा सा बाकेट में पानी है इस बाकेट में, तो चलिए पानी देखते हैं। फाइनली दोस्तों अभी सभी खत्म कर दिया है पानी देके और इसी साइड में मामी भी बाकेट सभी खाली बाकेट लेकर आ रहा है और पानी कितना ज़्यादा इस साइड में ख़त्म हो गया देखिए दोस्तों पानी कितना है। और उस टाइम में तो दोस्तों पूरा ही भरा हुआ था और सभी इतना सारा टॉप है ना, ये एक बिल है इस साइड में जमीन है, ये एक है और इसी साइड में जो पापा है उस साइड में, तो ये तीन जमीन में हम लोगों को पानी देना पड़ा एक मग करके। तो बहुत ही ज़्यादा भाया तो दोस्तों पानी लेकर आ रहा था और पूरा ही थक चुके हो बाकेट दो बाकेट पूरा फुल लेके पानी लेकर जा रहा है ना, एक बार नहीं दो बार नहीं शायद कितना बार हुआ है पता नहीं, गुनती भी नहीं हुआ है कितना हुआ है, 100 तो हो जाएगा शायद। तो लेकर बहुत ही ज़्यादा 1000 टॉप है ना, इसलिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इतना सारा बाकेट तो दे दिया है मामी ने घर में लेने के लिए, तो बाकेट ले लिया, मामी भी जा रहा है। इसी साइड में एक हांडी पड़ा हुआ है, इसको भी ले लेते हैं। सुबह से दोस्तों अभी तक ब्रश भी नहीं किया है, अभी शायद 8:30 हो गए हैं, घर का तो कोई भी ब्रश नहीं किया है। तो चलिए अभी जाके ब्रश करके खा लेते हैं और सुबह सुबह इतना ज़्यादा कम करना पड़ा बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है, शायद दादी बना रहा है शायद चावल या सुबह सुबह ही चावल बना रहा है। तो चलिए खा लेते ब्रश करके, बना रहा है मामी और दादी तो घर में आ गया है। तो आज शायद इस साइड में क्या बन रहा है, कुंदरी और इसी साइड में शायद बैगन है, पोटल है, सभी अच्छे से बना रहा है। और मामी भी दोस्तों इसी साइड में चावल तो हो गया है, दादी यही बना दिया था सब्जी में क्या होगा दादी,
এটা কমায় কি বানাবে এই সব একুন্দরি বেগন পটল সবই বানায়েগা সাথ আজি খানা পিনা তো হো গিয়া হ্যায় সুবা সুবাই আর সুবা সুবাই দোস্ত আজ রাইস খা লিয়া আর দাদি ভি দোস্ত ইসি সাইড মে খামার মে দোস্ত ধান লেকর আয়েগা ইসলিয়ে পুরাই গোবর দে রহা হ্যায় और गबर में देखे तो दोस्तों पूरा ही साफ करा है क्योंकि गबर देगा तो दोस्तों अच्छा होता है। इस साइड में जो मिट्टी धूला होता है धूल होता है सभी चला जाता है, इसलिए कल जो मिट्टी लेकर आया था इस साइड में पड़ा है। और दादी तो दोस्तों अच्छे से गबर दे रहे हैं। दोस्तों दिसंबर का 5 डेट में दोस्तों जो 5 तारीख को दोस्तों शायद जाएगा दीघा घूमने के लिए। मम्मी का टिकट तो मैंने कटवा दिया है, गाँव के तरफ से एक बस छोड़ेगा दोस्तों, इसलिए मामी को भी, मामी का तो हर दिन काम ही रहता है, इसलिए मामी को बोला घूमने के लिए चला जाओ, मामी के लिए टिकट कटवा दिया दीघा घूमने के लिए। तो मैं दोस्तों शायद जाऊंगा क्या पता नहीं, बापी चंदन जाएगा तो दोस्तों जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। और पापा ही सिर्फ, पापा तो बोल रहा है पापा का ड्यूटी है इसलिए पापा भी नहीं जाएगा। और मामी का तो टिकट कटवा दिया है कल ही दोस्तों, और दिसंबर का 5 में साथ जाएगा। तो गाइस मेरा तो नहाना भी हो गया है और विंटर का सीजन है इसलिए बाल थोड़ा सा भीगा हुआ दिख रहा है। तो चलिए नहाने के बाद, अभी कुछ खाया भी नहीं तो उस साइड में करेला का जो सीड्स है, सीड्स पापा मम्मी लगा रहा है सभी, तो मैं भी चलते हैं थोड़ा सा काम को आगे बढ़ा देते हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ है ना इसलिए टाइम लगेगा दोस्तों। तो पापा और मम्मी दोस्तों लगा रहा है बीज को और शायद हांडी में लेकर आया है इस साइड में, ये कल भीगाया था ना पानी लेकर, तो दोस्तों शायद ये मिट्टी को खुदाई कर रहा है मामी। और इसी तरह से शायद कितना कितना बीज दे रहा है पता नहीं, दुटा दुटा प्रत्येक टॉप है देख रहे हो दोस्तों, सभी टॉप में शायद दो दो बीज करके दे रहा है। और इसी तरह से शायद मिट्टी को अच्छे से सुबह सुबह ही पानी दिया है ना, नहीं तो पूरा ही धूप के वजह से पूरा सूखा हुआ जो मिट्टिया था इस साइड से जो मिट्टी देख रहा है ना ढला हुआ रहता था, इसलिए पूरा ही मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर रहा है। मिक्स करने के बाद दोस्तों पापा भी उसी साइड में कर रहा है, दो बीज को लगा रहा है। आज तो दोस्तों शायद पूरा दिन लग जाएगा क्योंकि पूरा हमारा इस साइड में 4 जमीन है ना, इसलिए तो बकरी तो घर में ही है, शायद मेरे को ही छाड़ना पड़ेगा आज। कैसे दे रहा है आप लोग देखिएगा, इस मिट्टी को लेवल करना हो रहा है। और मिट्टी को लेवल करने के बाद दोस्तों शायद जो ढला है, जो मिट्टी का ढला दिख रहा है बड़ा बड़ा, सभी को अच्छे से वो तोड़ना पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों दो बीज ले रहा है और फिर से दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है, और इसी साइड में मिट्टी को ढाक दे रहा है क्योंकि इस साइड में मुर्गा आता है, मुर्गा ने नहीं तो निकाल देगा पूरा ही सभी को। चलिए घर में चलते हैं और बकरियों को पानी वानी दे देते हैं, और मेरे को ही खुलना पड़ेगा। और इसी साइड में मैं कुछ खाया भी नहीं था तो पापा बोल रहा है पाइप को, इस साइड में पाइप में पानी है, पाइप को दोस्तों इसका अंदर का पानी को निकाल देते हैं। और इसी साइड से तो दोस्तों दूसरे लोगों को गाय आ रहा है, शायद गाय हाइला वाइला सभी है, हाइला हम लोग बोलते हैं जो क्या हाल करते हैं ना वही, तो सभी आ रहा है, नहीं तो इसमें दोस्तों पिसाल देगा तो दोस्तों पूरा ही फट जाएगा, तो इसलिए पापा उसी तरह से सभी को पाइप को उड़ा रहा है क्योंकि इवनिंग में उस साइड में एक जमीन नहीं दिया था, इवनिंग में देगा इसलिए। और इसी साइड से तो दोस्तों दूसरे लोगों का गाय गरू सभी आ रहा है ना, इसलिए दोस्तों इसी साइड में पाइप को अच्छे से इस साइड में हटा देते हैं थोड़ा सा साइड में। मम्मी तो दोस्तों अभी तक नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा लेट भी हो गया है, मम्मी अभी तक नहीं आया। मैं तो दोस्तों 1:30 में दोस्तों खुला था, पर अभी तो दोस्तों 2:30 हो गया है, पर मम्मी तो अभी तक नहीं आया। धूप भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दे रहा है क्योंकि मैं छतरी नहीं लेकर आया था, धूप भी बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। और इसी साइड में तो दोस्तों दीदा का गाय को इस साइड में, उसी साइड में था, इस साइड में लेकर आ गया वो। दोस्तों मामी तो आ गया इसी साइड में, मामी उसी साइड में है देख सकते हो, थोड़ा सा दिखाई दे रहा ना उसी साइड में है मामी, और इसी साइड में थोड़ा एक दो बकरी आ गया है और मामी भी आया है। अभी 3 बज रहा है दोस्तों, तो चलिए मैं शायद, मामी कोई लोग आया था कपड़ा लेने के लिए, कपड़ा जो है तो घर में दुकान है ना, इसलिए शायद लेने के लिए आया था। और जाने के बाद दोस्तों मामी बोल रहा था उसी साइड में शायद कपड़ा दिया है, और फिर नहा के खाने के बाद दोस्तों आया। तो चलिए मैं घर चलते हैं, घर में जाके मेरा मोबाइल में भी चार्ज नहीं है तो चार्ज दे दूंगा। आने के बाद दोस्तों धान को अच्छे से दोस्तों शायद किया साफ सफाई कर रहा है धान के लिए कूला में लेकर पता नहीं, और इसी साइड में तो शायद धान दे दिया मुर्गा को खाने के लिए। अभी तो गाइस शरार भी हो गया है, और इसी साइड में मैं फिर से एक बार नहा लिया था उस साइड से आने के बाद। और अभी दोस्तों हमारा पास थोड़ा सा चिकन लेकर आया हूँ, और चिकन में दोस्तों अभी कुकिंग कर रहा हूँ, पापा ड्यूटी में जाएगा। और इसी साइड में तो दोस्तों पोटैटो को फ्राई कर रहा हूँ देख सकते हो,
शायद दो तीन कॉरिडोर फ्राई करा हो। दादी तो दोस्तों उस साइड में मसाला को अच्छे से पीस रहा है। ये सभी इस साइड में चिकन को दे दिया है। देखिए दोस्तों ये थाली में तो चिकन थोड़ा सा है, तो इसको थोड़ा सा नमक और मसाला देके अच्छे से मिक्स करता है पहले, ठीक है। इसमें तो दोस्तों मसाला को अच्छे से मिक्स किया था, तो सभी चिकन को अच्छे से पहले फ्राई कर लेते हैं। दे दिया वो। चलिए गाइस थोड़ा सा ऑयल के साथ मसाला के साथ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों दादी तो उस साइड में मसाला को ओनियन को अच्छे से मिक्स कर रहा है। वो हमारा पार्टी है, पार्टी से अच्छे से मिक्स कर रहा है। दादी तो दोस्तों इस साइड में मसाला को पीस ले, ओनियन और अदरक लहसुन है। और अभी तो दोस्तों साइड मिर्ची को पीस रहा है। और इसी साइड में तो दोस्तों ऑयल तो पूरा ही गर्म हो गया है, तो चलिए ओनियन को दे देते हैं। मामी तो दोस्तों कुमकी लेकर आ गया है, बस ओनियन को दे दिया है। तो अच्छे से ओनियन को फ्राई कर लेते हैं। और अंधेरा दिख रहा है ना, लाइट उतना तेज नहीं है, इसलिए ओनियन दे देते हैं। और ओनियन को पहले फ्राई कर लेते हैं। इसी साइड में तो दोस्तों अदरक लहसुन है। और चिकन तो दोस्तों उस साइड में थोड़ा सा फ्राई करके रख दिया है। तो मामी को देख रहे हो। तो चलिए गाइस ओनियन को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और आग से तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है। अदरक लहसुन तो दे दिया है। अब थोड़ा सा ऊपर में तो दोस्तों अभी अदरक लहसुन दिखा रहा है, ऑयल बाहर में नहीं आया है। मसाला तो अच्छे से भून लिया है। और चिकन को अच्छे से मामी दे रहा है। चलिए चिकन को और पोटेटो को अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। ओ भाई बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। दोस्तों पूरा चिकन कोसा कर रहा हूँ। ओ भाई और मेरे तरफ ही धुआं आ रहा है। ओ माय गॉड स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा आ रहा है और मेरे तरफ ही धुआं आ रहा है। क्या है फाइनली दोस्तों खाना पीना तो हो गया है। अभी अभी खा के मैं तो दोस्तों छात में उठ रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा रात हो गया दोस्तों। अभी शायद 9:30 हो रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग बिंदास रहो, खुश रहो। और दोस्तों आज के लिए दोस्तों बाय।